हेलो बच्चों, मेरे को लास्ट के दो वीडियोस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, उसके सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डायग्राम के साथ चीज़ों को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। माउथ के अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो टीथ होता है वो फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, टंग क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करती है, प्लस जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है जो कि फूड को वेट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। साथ ही साथ उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है यही क्या सिक्रीट करती है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यही क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। इसके बाद हमारा फूड जो है वो माउथ से कहाँ पे जाता है, ईसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप के अंदर कौन से मूवमेंट की हेल्प से फूड क्या करता है, ट्रेवल करता है, जिससे कि फूड की जो ट्रेवलिंग है वो इजी हो जाए, वो कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद जो ये वाली चीज़ प्रेजेंट है ये क्या है, डायाफ्रेम। ये क्या है, डायाफ्रेम। डायाफ्रेम क्या होता है, डायाफ्रेम वो ऑर्गन, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जो कि क्या कर रहा है, हमारी अपर कैविटी को लोअर कैविटी से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझो कि ये डायाफ्रेम क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, हमारी अपर कैविटी और लोअर कैविटी को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस से होते हुए किस में जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। ये हमारा क्या है, स्टमक है, और स्टमक के अंदर फूड जो है वो कितनी देर तक रहता है, 3 to 4 hours के लिए कम्प्लीटली चर्न होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। म्यूकस क्या कर रहा था, स्टमक की वॉल्स को सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है, HCl बैक्टीरियाज को किल करता है, स्टिमुलेट करता है पेप्सिन की एक्टिविटी को, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद जो फूड है वो स्टमक से कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो है लेंथ में जो बड़ी है ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये दो ग्लैंड्स का सिक्रीशन रिसीव करती है। ये रहा हमारा लिवर, ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, और ये रहा हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, इन दोनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ये जो है बच्चों, ये इसे बोलते हैं गाल ब्लेडर, हिंदी में जिसको पित्त की थैली बोलते हैं। ये जो गाल ब्लेडर है, लीवर जितना बाइल सिक्रीट करता है, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी बॉडी जो है उस सारे के सारे बाइल को यूज़ कर लेगी, तो जो भी बाइल होता है, सिक्रीट होता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लेडर के अंदर, और फिर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से ये उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज फैट के डाइजेशन में, और जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी खुद की भी वॉल्स क्या सिक्रीट करती है, इंटेस्टाइनल जूसेस, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं, है ना, और जो हमारी फैट होती है उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो फूड है यहाँ पे इसका डाइजेशन क्या हो जाता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। इसके अंदर देखो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं विलाए। ये जो विलाए है यही फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। करती क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है जिससे कि मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब हो। यहीं पे एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या था कि जो भी फूड हमारे यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या करेगी, हमारी कम्प्लीटली बॉडी उसे क्या करेगी, यूज़ करेगी फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया एसिमिलेशन। लास्ट था हमारा इजेशन प्रोसेस। इजेशन में क्या होता है कि जो फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो यहाँ से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती है, विलाए प्रेजेंट होती है। ये विलाए क्या करती हैं, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा
उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और उसको किस में चेंज कर देती है, फूड को सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देती है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया, अब वो जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चों, वो यहाँ पे रेक्टम के अंदर स्टोर होता है जब तक कि हम उसे इजेस्ट आउट नहीं कर देते, और फिर हम एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, इजेस्ट आउट करते हैं। ये है हमारा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा बाइल जूस का एक और फंक्शन होता है, वो मैं आपको बताना भूल गई, कि वो फूड को किस में चेंज कर देता है, एल्कलाइन नेचर में, क्योंकि वो स्टमक में एसिड की वजह से किस नेचर में हो जाता है, एसिडिक। तो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कौन चेंज करता है, बाइल जूस चेंज करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था मैं एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कराऊंगी, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, इसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं एक पिक्चर के उसमें डाल दूंगी आप लोगों को, आप लोग वहां से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैंने इसमें कम्प्लीटली लिख दिया है कि जो माउथ है उसके अंदर टीथ, टंग, सलाइवा प्रेजेंट है, उनके इंडिविजुअल फंक्शंस क्या क्या हैं वो सब इसके अंदर डाल दिए है, कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बाद फूड कहाँ से कहाँ पे जाता है, कौन सी मूवमेंट होती है फूड पाइप के अंदर, फिर देन स्टमक के अंदर जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वो लीवर और पैनक्रियाज के सिक्रीशंस को रिसीव करती है, और उनके इंडिविजुअल फंक्शंस क्या क्या हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, इसका एक और फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है, क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी खुद की भी वॉल्स क्या कर रही है, इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट कर रही हैं, उनके इंडिविजुअल फंक्शन क्या क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन उसे क्या कर रही है, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है और उसे कन्वर्ट कर दे रही है किसमें, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, वो जो सॉलिड फूड है वो कहाँ पे स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद वो किस कैसे इजेस्ट आउट हो रहा है, कौन से ऑर्गन के थ्रू, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये कंप्लीट फ्लो चार्ट मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एज अ पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।